टरन, अभी शौकत तरीन की बात की और कहा इससे अवाम को या पाकिस्तान को कोई फ़ायदा है लेकिन शौकत तरीन या इनके बाकी जितने भी चार तीन चार आए हैं वज़ीर उनसे इनके ए टी एम्स को ज़रूर फ़ायदा हुआ है इन्होंने जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर वो अपने कुछ तरमीम की और उसमें वो जो, लो, शेकों में से जो, हो जो लोगों की जो लोगों में जो जो, चौतीस इन्होंने थी मांगी तीन थी। चार अपनी नहीं, अवस 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 थिंग, हम इनको यही चीजें कुछ कह रहे थे तब ये मान नहीं रहे थे की अगर आपकी ब्यूरोमैन नहीं हमने अभी भी नहीं माना तो इसके खिलाफ आप बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल जाएंगे।, जाएंगे हाँ अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए पहला एक तो इन्होंने इन्होंने वो लीडरशिप डिसाइड करेगी दर मैं आर आप प्लीज बात करें मैंने तो आवाम को आवाम को अवाम <laughs> वाम को इनके जो आ, मिनिस्टर हैं शौकत तरीन साहब का उनका फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन इनके ए टी एम्स को ज़रूर फायदा हुआ शौ, आ, ये सदाकत अबासी साहब मेरे साथ कल प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मैंने उनको एक फिगर कोट किया था ट्वेल्व पॉइंट फोर टू परसेंट तो आज मैं स्पेशली ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का आ, चेक करके आई हूँ और सब लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने यह कवर किया है कि महंगाई जो है वो टेंट ही ही और ये सिदाकत अबासी साहब मुझे कल कह रहे थे कि मैं गलत भी आनी कर रही हूँ और महंगाई आठ परसेंट है तो मैंने वो चेक किया और मैं लेके भी आई मैं शेयर भी करती हूँ कि बाईस आइटम्स हैं नॉर्मल जो एवरीडे यूज की आइटम्स है जिनकी जिन पे महंगाई 12 परसेंट से ज्यादा है और जो लो इनकम ग्रुप है ना उसके ऊपर 14 परसेंट से ज्यादा है और जो चीजों की प्राइस अभी आपने बात की एल पी का घरेलू सिलेंडर जो सिलेंडर है उसमें फोर्टी थ्री का इजाफा है घी में इजाफा है चावल में इजाफा है टमाटर में इजाफा है सो ये सदाकत अब्बासी साहब अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे अगर आपकी हुकूमत होती है आप इसे कैसे कंट्रोल करते कैसे करते देखिए हमने जब हमारा प्रोग्राम खत्म देखिए डॉलर अभी ये इन्होंने इसाक डार की बात की जो भी था इसाक डार साहब ने हमारी इकोनमी को एक 5.8 जीडीपी पे हम छोड़ के गए ठीक है उसके बाद आपने देखा कि डॉलर की कीमत क्या थी सौ रुपए पे आपने देखा कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में आ रहा था तो आई थिंक इकोनॉमी के, के वाइज आप ये कंपेयर नहीं कर सकते आप देखें कि इनकी हमारी ग्रोथ कितनी थी हमारा जीडीपी 5.8 था अगला आने वाला जीडीपी मच हायर था और इन्फ्लेशन हमारे टाइम पे फोर टू फाइव परसेंट थी तो आप जो भी जितना भी क्रिटिसाइज करें ये आप नहीं कह सकते और कर्जे की ये बात करते हैं इन्होंने हमारे से ज्यादा कर्जे ली लिए हमारे टाइम में हमने मोटरवे एयरपोर्ट्स बनाए, बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने तो इतना कर्जा लिया और कुछ किया भी नहीं